नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स की कीमत 5 लाख। आईसीसी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर उस समय विवादों में फंस गए जब इंडिया सीमेंट्स ने मात्र 5 लाख रुपए में टीम को अपनी सहयोगी टीम को बेच दिया। यह मामला तब सामने आया जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस वैल्यूएशन को मानने से इनकार कर दिया और टीम की बिक्री को मंजूरी नहीं दी। अगर काउंसिल 5 लाख रुपए की कीमत को मान लेता तो बीसीसीआई को इस डील से सिर्फ 25,000 रुपए की कमाई होती। पिछले साल अमेरिका की एक कंसल्टेंसी ने इस टीम की कीमत 450 करोड़ रुपए लगाई थी। आप विधायक अलका लांबा से छेड़खानी। आप विधायक अलका लांबा ने गुरुवार को उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। अलका उस समय मिर्जा गालिब की हवेली का निरीक्षण कर रही थी। अलका ने कहा कि वह उन्हें आंख मार रहा था और अजीब तरह से देख रहा था। उसने उन्हें टाउन हॉल में भी परेशान किया जिसके बाद उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आप कार्यकर्ताओं ने युवक को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कहा जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है लेकिन उसके परिजन इस संबंध में कोई भी चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। खत्म हो रहे हैं तिब्बत के ग्लेशियर। चीन के ग्लेशियर, खासकर तिब्बत क्षेत्र वाले ग्लेशियर में पिछले 65 वर्षों में करीब 7,600 वर्ग किलोमीटर के ग्लेशियर गायब हो गए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर के पास भी बर्फ की मोटी परत गायब हो गई है और वहां केवल पथरीली जमीन बची है। एक चीनी अधिकारी ने बताया कि 1950 के बाद से हर साल 247 वर्ग किलोमीटर बर्फीले ग्लेशियर गायब हो रहे हैं। ग्लेशियर का सर्वेक्षण करने वाले दल के नेतृत्वकर्ता लियू शियन ने कहा कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से आपदाएं आएंगी। सुसाइड नोट में किसान गजेंद्र की लिखावट नहीं। आपकी रैली के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर खुदकुशी कर लेने वाले राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह के परिवार ने आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। गजेंद्र के भाई विजेंद्र और बेटी मेघा ने कहा कि वह ऐसे शख्स नहीं थे कि खुदकुशी कर ले। उन्होंने कहा कि जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है उसकी लिखावट गजेंद्र की नहीं है। विजेंद्र ने कहा कि उनके भाई को उकसाया गया होगा। उन्होंने बताया कि गजेंद्र मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे और इस साल फरवरी में चुनावी जीत के बाद उनसे मुलाकात भी की थी।